इस एक्टर की तो मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, क्यों ना इसे मैं न्यू ईयर पार्टी में बुला लूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे बचना चाहिए, मैंने गलत तो नहीं कहा? आइडिया बुरा नहीं है। मुझसे डरना छोड़ दो तुम। हाँ मैं मात्सुजाका बोल रही हूँ। न्यू ईयर पार्टी? हाँ किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, एंजॉय करेंगे, कुछ दोस्तों को भी बुला लेंगे, ठीक है ना? तुमने वो ड्रैकुला वाली फिल्म तो देखी होगी ना, मैंने उसके एक्टर को भी आज रात की पार्टी में बुलाया है। हाँ क्या सच में? मुझे पता है तुम बैठकर अभी कोई बोरिंग सी मूवी देख रही होंगी। साथ में कल रात के बची हुई नूडल्स खा रही हो ना? सुनो तो, अब बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी में लेट हो, समझी? और सुनो, ठीक से तैयार होके आना। अच्छा ठीक है। तो ठीक है, रात को 8 बजे मिलते हैं। अरे लेकिन मैं इतनी जल्दी तैयार कैसे होऊंगी, तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी? 1 घंटा पहले तो बता रही हूँ। अच्छा ठीक है, टाइम पर पहुँच जाना। मैं वहाँ टाइम पर पहुँच जाऊंगी। ये भी ना, पहले बता देती तो मैं थोड़ी तैयारी कर लेती, इतनी जल्दी कैसे तैयार होंगी समझ में नहीं आ रहा। अब बोलो। अब तक तो मात्सुजाका को आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गई। मैंने उसे 1 घंटा पहले कॉल तो किया था, आ ही रही होगी, शायद ट्रैफिक में फंस गई हो। अरे हाँ, आज हमने एक स्पेशल गेस्ट को भी तो इनवाइट किया है ना, वो भी बस अब कुछ ही देर में आने ही वाले होंगे। उनकी कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जिसे देखने का मन न करे, वो अच्छे एक्टर है। सही कहा तुमने, बस कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। तुम्हें नहीं लगता मात्सुजाका को ज्यादा देर हो गई है? मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। हाँ हेलो, कैसी हो तुम लोग? हाँ ऐसे क्यों देख रही हो? अरे ये तो मुझे यही मिल गए थे। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे अपने फैंस के साथ न्यू ईयर पार्टी मनाना बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों से मिलके अच्छा लगा। हमें भी, आइए ना बैठिए। हम आपका कितनी देर से इंतजार कर रहे थे। मैं मात्सु छोटी बहन हूँ। मैं इनसे बड़ी बहन हूँ। मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। अरे तुम लोगों ने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस नहीं करा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही क्यों नहीं देते? हेलो, मेरा नाम है टोमा। और ये है मिस्टर जोजो, इनको भी आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से अब हमें डिनर ऑर्डर कर देना चाहिए, मैं सबकी बात कर रही हूँ, समझी? मुझे अपने फैंस बैठकर बहुत मजा है, खास में जूस पीते हुए। ये खास तरह का जूस है जो आपको पसंद आएगा, इसे पीकर देखिए तभी आपको इसकी खासियत पता चलेगी। हाँ जूस इतनी जल्दीबाजी में नहीं पीना चाहिए, गले में अटक जाता है। सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। ओह शिनचैन। मैं तो डर गया था। ये सब क्या है? शिनचैन तुम इस वक्त हमारी टेबल पर क्या कर रहे हो? इसका सही जवाब होगा मैं जूस पी रहा हूँ। लेकिन तुम्हें तो हमने इस पार्टी में इनवाइट नहीं किया, तुम आए कैसे? क्या तुम अकेले आए हो? इसका सही जवाब होगा। अरे मात्सुजाका मैम, आप तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मिसेस नोहारा, आप यहाँ? मात्सुजाका मैडम कैसी हैं आप? मैं यहाँ हूँ, देखिए आप आइए यहाँ ज्वाइन कीजिए हमें। आप आराम से बात कीजिए, हम खाना खा रहे हैं। दरअसल एक कॉन्टेस्ट में हमें यहाँ का फ्री वाउचर मिल गया, इसलिए हम लोग यहाँ खाने पे आए हैं। देखो तुम्हें इस तरह से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ। अरे आपको मैंने पहले कहीं देखा है? हाँ आप वही है ना जो स्टेशन के सामने पैम्फलेट्स बांटते हैं? वो पहले करता था, आजकल उसे छापता हूँ मैं। हाँ ये तुम्हारे गेस्ट है ना? उसमें लिखा होता है 1000 रुपए घंटे में आपके घर का हर काम ये कर सकते हैं। सही कहा। तो ये बात है, ये बात सच है क्या, बताइए? हाँ बिल्कुल सही कह रही है, और मैं तो कहूँगा कि काम तो काम होता है, बस काम को दिल से करना चाहिए, है ना भाई? इसका मतलब है। अरे आप दोनों को भी मैंने अरे आपकी शक्ल किसी से मिलती है। शिनचैन के पापा से।
अच्छा मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। दरअसल मुझे जरूरी काम याद आ गया, मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। दरअसल मुझे भी जरूरी काम याद आ गया, हो सका तो मिलूंगा। हाँ? इतनी जोर से मत बोलो, हम यहाँ रेस्टोरेंट में बैठे हैं। सारे मैनर्स एटिकेट भूल गई क्या? बच्चों की तरह बिहेव मत करो। जब हम घर पे होते हैं तब तुम भी तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर ही बात करती हो ना, सही कहा ना? हाँ हाँ ठीक है, लेकिन हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, यहाँ और भी लोग हैं, उनका भी ध्यान रखो। ये मैंने एक अच्छी किताब में पढ़ा है। अरे वाह, ये तो अच्छी किताब है। सॉरी, पहले आप। क्या ये बुक आपने पहले पढ़ी हुई है? हाँ, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। हाँ अच्छी अच्छी बातें, किस तरह की बातें? अगर मैं आपको सब बातें बता दूंगा तो आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो आप पढ़ेंगी? मैं पढ़ूंगी। उस किताब में मैनर्स और एटिकेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था, मैं भी पढ़ूंगी। अच्छा तो आप हमारे गेस्ट है ना, तो बताइए आपको खाने में क्या पसंद है ताकि हम ऑर्डर करें। क्या कर रही हो तुम? तुम हटो। अच्छा तो आप जूस पीना करेंगे या फिर कॉफी पियेंगे, और उसके बाद डिनर में क्या खाएंगे? इस तरह से तुम गेस्ट को परेशान कर रही देखो, हो। मैं उनसे डिनर के लिए पूछ रही हूँ। देखो अगर मैं पूछ रही हूँ तो तुम्हें बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मेहमान की खातिरदारी कैसे की जाती है, इसीलिए तुम थोड़ी देर तुम लोग बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उसको बस बता रही हूँ कि गेस्ट की खातिरदारी। मैं करूँगी गेस्ट की खातिरदारी, तुम्हें जरूरत नहीं। तुम्हें आता भी है कैसे करते हैं? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ कि खातिरदारी किस तरह से की जाती है गेस्ट। अरे आप लोग शोर मचाना बंद कीजिए। तुम लोग ऐसे शांत नहीं होने वाले, मुझे ही कुछ करना होगा। सच में? अच्छा तो आप सिखाएंगे गेस्ट की खातिरदारी? जो लोग लड़ाई करते हैं वो मुझे पसंद नहीं। पर यहाँ कोई शूटिंग नहीं चल रही। मैं सचमुच में एक ड्रैकुला हूँ। सचमुच का ड्रैकुला? सचमुच का ड्रैकुला? क्या सच में? ये तो वही है जो पूरा चांद निकलने पर जाता है। तुम अपना मुंह बंद रखो। मैं चाहती थी कि तुम अपनी असलियत खुद बताओ। मुझे लगता है कि तुम आम इंसान नहीं हो। ये तो बिल्कुल सही समझा तुमने, क्योंकि हम लोग एक महान परिवार के लोग हैं। हर डिश में लहसुन डालने का आइडिया हम दोनों का था। हैरी, लहसुन की वजह से वो खुद को कमजोर महसूस कर रहा है। मिस्टर नोहारा, आप ये क्या करने वाले हैं? सबसे पहले पेड़ का नुकीला तना ड्रैकुला के ऊपर डालो जब वो सो रहा हो। ये मुझे करना पड़ेगा मुक्सी। कोई डरने की बात नहीं है। हैरी जरा ध्यान से। अरे ऐसे लोगों से तो मैं रोज निपटता हूँ। आज मेरे पास है दो दो पेंसिल्स। रुक जाइए। मात्सुज़ाका मैम अब क्या करना चाहती हैं? मात्सुज़ाका मैम आप जरा दूर हट जाइए। प्लीज ये मेरे मेहमान हैं, इनके साथ आप ऐसा मत कीजिए। सामने से हटो। आप मेरी बात मानेंगे ना? देखिए मेरे ख्याल से आपको खुद को बदल लेना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है। ये ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर एक अच्छे इंसान बन जाइए। मुझे पता है आप ऐसा कर सकते हैं। आप मेरी बात मानेंगे ना? प्लीज आप ऐसा ही कीजिए। हाँ, जरूर। मुझे पता था मैं किसी को भी बदल सकती हूँ, मैं एक अच्छी टीचर हूँ। हट जाओ। मुझे पता है ये बहुत अच्छे इंसान है, और मैं इन्हें जैसा करने को कहूँगी ये वैसा ही करेंगे। हट जाओ। ये तुम लोगों की नहीं मेरी बात मानेंगे। मुझे लगता है आपको ड्रैकुला वाला रोल छोड़कर अच्छे इंसान बन जाना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं होती है, और वैसे भी हम सभी तो आपके फैन हैं ना। लेकिन मैं तो हम सभी को नुकसान पहुंचाकर आपको क्या मिलेगा? हाँ? तुम चुप हो जाओ। वो मेरी बात मानेंगे, वो मेरे मेहमान हैं, इसलिए मैं जाएंगे कहूँगी वो बंद करेंगे। तुम अपना मुँह बंद रखो। अब चलिए। बिल्कुल चलो। मेरे ख्याल से अब हमें घर ही जाना चाहिए। देखो मैं सोच रहा हूँ कि चुप हो जाओ तुम लोग। अगर बुरा ना मानो तो जाने से पहले कुछ कहना चाहता हूँ। एक ही मैं जा रहा हूँ। क्या? अरे नहीं आप मत जाइए। ये मेरी बात तो सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो 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 मुझे। रुक जाइए, कम से कम ऑटोग्राफ तो देकर जाइए। रुक जाइए ना प्लीज। अरे लगता है मैं कोई सपना देख रही थी। हाँ वैसे ये पार्टी भी बुरी नहीं है ना?
तो आज आपने देखा मात्सुज़ाका मैडम और उनकी बहनों ने नया साल कैसे मनाया। उम्मीद है आपका नया साल भी होगा बहुत शानदार।